शमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। श्री राम मानव सेवा संस्थान के श्री मद भागवत कथा में पंजाब से पधारे श्री श्री 1008 श्री बाल व्यास भरत दास जी महाराज के सरल सरल व सहज कथा के रसपान के लिए हो रही अपार भीड़। श्री राम मानव सेवा संस्थान भावापुर प्रयागराज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री मद भागवत कथा जो राज गेस्ट हाउस भावापुर करेली प्रयागराज में चल रही है, मैं पंजाब से पधारे हैं श्री श्री 1008 श्री बाल व्यास भरत जी महाराज ने कथा के तृतीय दिवस में सुंदर भजनों के साथ लोगों को आनंदित करते हुए कहा कि सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सत्य हरि भजन जगत सब सपना यानी संसार में हरि भजन के अलावा कुछ और नहीं और संसार एक सपना के समान है। आगे कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चूम। इस संसार में हमारा मनुष्य जीवन मोती के समान है, जिस प्रकार से मोती पानी से निकल जाने पर वह एक चूना के समान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हरि नाम नहीं तो जीना क्या मनुष्य तन, पाकर मेरी भगवान की भक्ति जीवन में नहीं किया तो सब व्यर्थ है। इसीलिए भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। जिस प्रकार से भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भक्ति का मार्ग अपनाया, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्य को भी अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, भजन के माध्यम से लोगों को भक्ति मार्ग की ओर जाने के संदेश दिया।